दोस्तों स्मार्ट टेक्नोबिज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों जब मैंने टाइम ट्रैवल का पहला वीडियो रिलीज़ किया था तब से कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एक और वीडियो टाइम ट्रैवल पर बनाऊं। तो आप सबके रिक्वेस्ट के अनुसार काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपके सामने टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ और अनोखी और रहस्यमय घटनाएँ लेकर आया हूँ। जिन्होंने टाइम ट्रैवल पर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वह वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों टाइम ट्रैवल के पिछले वीडियो के कमेंट्स में कई लोगों ने टाइम ट्रैवल को लेकर अपनी राय दिए थे। कई लोगों का मानना है कि टाइम ट्रैवल संभव है तो कई लोगों का मानना है ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों टाइम ट्रैवल बहुत ही विवादास्पद और जटिल विषय है। ये संभव है या नहीं यह तो भविष्य बताएगा, पर मेरा मानना है कि अगर मनुष्य ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आज से 500 साल पहले कोई बोलता कि मनुष्य आसमान में उड़ सकेगा या मनुष्य चांद पर जा सकेगा तो शायद लोग उसे पागल समझते, लेकिन आज हम ना सिर्फ आसमान में बल्कि अंतरिक्ष में भी उड़ान भर सकते हैं और चांद पर भी हम उतर चुके हैं और अब हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल अभी भी हमसे कोसों दूर है, पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि टाइम ट्रैवल संभव है और उन्होंने टाइम ट्रैवल किया भी है। तो आज मैं आपको ऐसे ही लोगों और घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है। लेकिन ये दावे कितने सच हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, पर यह घटनाएं इतनी प्रसिद्ध हैं कि इन्होंने एक दंत कथा का रूप ले लिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। नंबर एक पर है रुडोल्फ फेंस। 1951 के मध्य जून में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर रात के 11 बजे अचानक से एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। इस व्यक्ति ने 18वीं सदी की वेशभूषा वाले कपड़े पहने हुए थे और वहां मौजूद लोगों की तरह ही वह व्यक्ति भी अपनी वहां मौजूदगी से हैरान था। इससे पहले कि वह व्यक्ति और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, तेजी से आ रही एक टैक्सी से उस व्यक्ति की टक्कर हो गई और उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। शवगृह में जब उस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई और उन चीज़ों में मौजूद थी एक तांबे का टोकन जिस पर एक सैलून का नाम लिखा था, एक बिल जिस पर एक घोड़े के तबेले का नाम और एड्रेस था, और साथ ही साथ उसके पास बरामद हुए $70 के पुराने जमाने के छपे नोट, और इसके अलावा उसके पास था एक बिजनेस कार्ड जिस पर नाम था रुडोल्फ फेंस और एड्रेस था 5th Avenue, और इसके साथ साथ उसके पास थी एक चिट्ठी जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत ही पुराने ज़माने की लग रही थी, पर हैरानी की बात थी कि ये सारी वस्तुएं आज भी नई जैसी लग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन पर समय के बीतने का कोई असर ही नहीं हुआ हो। इस घटना की तहकीकात कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम कर रहे थे जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उन्होंने उस सैलून और तबेले का पता ढूंढने की कोशिश की तो ऐसी कोई भी जगह उन्हें नहीं मिली और वहां रह रहे बुजुर्गों तक को ऐसे किसी सैलून या तबेले के बारे में नहीं मालूम था, और बिजनेस कार्ड पर जो एड्रेस था 5th Avenue का, वहां पर एक दफ्तर मौजूद था पर वहां कोई भी रुडोल्फ फेंस नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। और अब इस हादसे में मारे गए व्यक्ति जिसे बिजनेस कार्ड के आधार पर रुडोल्फ फेंस के नाम से जाना जाने लगा और इसका रहस्य और भी गहराने लगा। कैप्टन रिम ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी और उन्होंने बहुत ही छानबीन के बाद एक टेलीफोन एड्रेस बुक में एक नाम पाया, रुडोल्फ फेंस जूनियर, और यह फ़ोन बुक 1939 की थी। जब कैप्टन रिम इस टेलीफोन के एड्रेस पर पूछताछ करने गए तो उन्हें मालूम हुआ कि इस नाम का व्यक्ति 5 साल पहले ही मर चुका है और उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। कैप्टन रिम फ्लोरिडा पहुंचकर उस बेवा से मिलने गए और वहां जो उन्हें मालूम हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। रुडोल्फ फेंस जूनियर की विधवा ने बताया कि रुडोल्फ फेंस जूनियर के पिता का नाम था और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। वह एक शाम को सड़क पर घूमने निकले थे और उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। जब कैप्टन रिम ने 1876 की पुलिस की लापता लोगों की फाइल देखी तो उन्होंने पाया कि वह औरत जो बोल रही थी वह बिल्कुल सच था, और इस फाइल में जिस व्यक्ति का जिक्र किया गया था उसका हुलिया और वेशभूषा हूबहू उस व्यक्ति से मिलता था जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी।
कैप्टन रिम की जांच पड़ताल से जो सामने आ रहा था वह साफ साफ एक टाइम ट्रैवल की एक घटना की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे चला आया था, जहां उसकी हादसे में मौत हो गई थी। पर कैप्टन रिम को शायद यह पता था कि उनकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा, और इसलिए उन्होंने अपनी खोज को किसी भी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं किया और वह केस अनसुलझा ही छोड़ दिया। और यह कहानी तब से एक टाइम ट्रैवल की शहरी दंतकथा के रूप में प्रचलित है। लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि यह कहानी दरअसल एक काल्पनिक कहानी से उत्पन्न हुई है जो जैक फनी द्वारा लिखा गया था और कॉलियर मैगजीन की श्रृंखला आई एम स्कैर्ड में 15 सितंबर 1951 को प्रकाशित किया गया था। लेकिन 2007 के बर्लिन न्यूज आर्काइव के रिसर्चर्स ने एक लेखागार से एक अखबार ढूंढ निकाला जो अप्रैल 1951 की है, जिसमें इस घटना को समाचार के तौर पर छापा गया है, और यह अखबार जैक फिनी की कहानी से 5 महीने पहले छापा गया था। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह कहना तो मुश्किल है, पर यह टाइम ट्रैवल की एक अनोखी घटना बनकर रह गई है। नंबर 2 पर है एंड्रयू कार्लसन। 28 जनवरी 2003 को न्यूयॉर्क पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका नाम एंड्रयू कार्लसन था। उस पर आरोप था कि उसने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए गैरकानूनी तरीके से शेयर मार्केट से लाभ कमाया है। एंड्रयू कार्लसन ने शेयर मार्केट में $800 से शुरुआत किया और उसने 126 बहुत ही जोखिम भरे दांव खेले, जिसमें उसने सिर्फ 2 हफ्तों में $35 करोड़ कमा लिया। और इसी वजह से एंड्रयू कार्लसन जांचकर्ताओं की नज़र में आ गया, क्योंकि अच्छे से अच्छा शेयर कारोबारी भी इतने कम समय में इतना मुनाफा नहीं कमा सकता था। और जांचकर्ता ये मानने को तैयार नहीं थे कि एंड्रयू कार्लसन के साथ जो हो रहा है वह मात्र एक संयोग है, इसलिए उसे गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस यह आशा कर रही थी कि उन्हें किसी बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग ग्रोह का पता चलेगा, लेकिन इसके उलट उन्हें एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। एंड्रयू कार्लसन ने अपने 4 घंटे के बयान में बताया कि वह भविष्य आया है और वह सन 2256 से आया था। उसने कहा कि उसने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि इस वर्ष में शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल थी और वह इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। और उसने बताया कि उसने किताबों के जरिए यह पता लगा लिया था कि कौन से शेयर इस साल में अच्छा कर रहे थे और उसने वही शेयर खरीदे, और सब कुछ सामान लगे इसलिए जानबूझकर उसने 1-2 शेयर में नुकसान भी लिया, लेकिन वह इस मकसद में नाकाम रहा और पकड़ा गया। उसने पुलिस वालों से कहा कि अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वह उन्हें यह बता देगा कि उसामा बिन लादेन कहाँ छुपा है और एड्स का इलाज कैसे किया जा सकता है। पुलिस वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह उसे पागल समझने लगे, लेकिन जैसे ही उसे बेल पर रिहा किया गया वह हमेशा के लिए गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। यह कहानी कितनी सच है यह नहीं कहा जा सकता, पर इस कहानी को कई अखबारों ने छापा है, और यह भी कहा गया है कि एंड्रयू कार्लसन ने अमेरिका की इराक पर हमला करने की तारीख की सटीकता से भविष्यवाणी की थी। नंबर 3 पर है द बोल स्ट्रीट टाइम स्लिप। इंग्लैंड के लिवरपूल में एक ऐसी जगह है जो टाइम ट्रैवल में रुचि रखने वालों के लिए एक कौतूहल का विषय बन गया है। कहा जाता है यहाँ कई लोगों ने चलते चलते टाइम ट्रैवल का अनुभव किया है। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग चलते चलते अचानक 1950 या 1960 के दशक में पहुँच जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि जब वे सड़क पर चल रहे थे तो अचानक से यहाँ का माहौल बदल गया। सड़कों पर उन्हें पुराने ज़माने की गाड़ियाँ दिखने लगीं और उन्होंने ऐसी दुकानें देखीं जो आज से पहले उन्होंने नहीं देखी थीं, और उनके आसपास चल रहे लोगों के कपड़े भी पुराने समय के होते थे। यह अनुभव इस सड़क पर कई लोगों को हुआ है और सब एक जैसा ही अनुभव बताते हैं, और सभी लोगों का कहना है कि यह अनुभव कुछ समय तक रहता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाएँ वह वर्तमान समय में वापस चले आते हैं। टाइम ट्रैवल के समर्थक इसे टाइम स्लिप कहते हैं, तो वहीं इसके आलोचक इसे मास हेलुसिनेशन यानी कि लोगों का भ्रम कहते हैं। नंबर 4 पर है मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टेट्स का एक खुफिया प्रोजेक्ट था जो मॉन्टॉक एयरफोर्स स्टेशन मॉन्टॉक लॉन्ग आइलैंड पर स्थित था। माना जाता है कि यहाँ पर यूएस आर्मी कई तरह के खुफिया परीक्षण करती थी, जैसे कि मनोवैज्ञानिक युद्ध। लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर टाइम ट्रैवल को लेकर भी कई परीक्षण किए जाते थे, और कहा जाता है यहाँ पर एक टाइम ट्रैवल टनल है जिसके जरिए यूएस मिलिट्री टाइम ट्रैवल किया करती थी।
मोंटाग प्रोजेक्ट तब लोगों के सामने आया जब दो लोग अल ब्लैक और प्रेस्टन निकलस ने यह दावा किया कि वे इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं और इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद उनकी याददाश्त मिटा दी गई थी, लेकिन अब उन्हें वो बातें धीरे धीरे याद आ रही हैं। इनमें से एल ब्लैक एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो प्रेस्टन निकलस के पास पैरासाइकोलॉजी, साइकोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। इन दोनों का कहना है कि ये कई टाइम ट्रैवल की घटनाओं के गवाह रहे हैं और इतना ही नहीं, इस जगह का इस्तेमाल एलियंस के साथ संपर्क साधने के लिए भी किया जाता था। नंबर 5 पर है बिली मेयर्स। बिली मेयर्स स्विट्जरलैंड के नागरिक हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि वह एलियन के संपर्क में हैं। उनका कहना है कि वह एक एलियन प्रजाति नॉर्डिक एलियन के संपर्क में है जो कुछ कुछ मनुष्यों की तरह ही दिखते हैं, और अपने दावे के रूप में उन्होंने कई तस्वीरें भी प्रस्तुत किए हैं जो उनका दावा है कि उन एलियंस के स्पेसशिप की हैं। और उनका यह भी दावा है कि उन एलियन जीवों की मदद से उन्होंने टाइम ट्रैवल भी किया है और उन्होंने समय में पीछे जाकर डायनासोर का युग भी देखा है और वह ईसा मसीह से भी मिलकर आए हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैवल से जुड़ी कुछ अनोखी घटनाएँ। टाइम ट्रैवल के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करता हूं। और दोस्तों, इस चैनल से नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।